सेम है जो हमने पहले पढ़ ली, लेकिन क्योंकि अब हम थ्योरेटिकली आगे मूव ऑन हो रहे हैं इन द बेसिस ऑफ थ्योरम, तो डेफिनेटली हर बात की हमें प्रूफ देने के लिए मैथमेटिक्स का कहीं ना कहीं सहारा लेना पड़ेगा। और मैथमेटिक्स भी वो मैथमेटिक्स जो कि बेसिकली वर्बली आपको समझ में आती हो। जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं, जैसे मिसाल के तौर पे आप ये कहते हैं कि एक ट्यूरिंग मशीन जो है वो रिकॉग्नाइजेबल भी है। रिकॉग्नाइजेबल का मतलब ये है कि एक ट्यूरिंग मशीन जो किसी लैंग्वेज को, यानी ट्यूरिंग मशीन तो रिकॉग्नाइजेबल नहीं यानी है, लेकिन एक ऐसी लैंग्वेज के लिए रिकॉग्नाइजेबल है जिसका एल्गोरिथम आप नहीं लिख पा रहे। तो इस बात को प्रूव करने के लिए कि वाकई एक इशू है, तो उसको जस्टिफाई करना कि देयर आर सम लैंग्वेजेस व्हिच यू कैन नॉट बी सॉल्व बाय यूजिंग द ट्यूरिंग मशीन, तो ठीक है ये स्टेटमेंट तो है, लेकिन फिर उसको प्रूव भी करें। जैसे दूसरे साइंटिस्ट ने इस बात को अलाइन किया कि भाई ऐसी लैंग्वेजेस एग्जिस्ट करती हैं जिसके एल्गोरिथम्स नहीं लिखे जा सकते। उनमें से एक बहुत पॉपुलर एल्गोरिथम जो है वो प्रॉब्लम जो है वो हिल्बर्ट टेंथ प्रॉब्लम है। इसमें आपको पॉलिनोमियल्स के बारे में बताना है कि पॉलिनोमियल के रूट ये वाले हैं या नहीं। तो इस तरह के इश्यूज को आप जस्टिफाई भी करना होता है। आप ये नहीं कह देते कि हाँ भाई ये होगा, ठीक है होगा, हाउ टू जस्टिफाई दीज थिंग्स, आप उसको जस्टिफाई कैसे करेंगे, ये इम्पोर्टेंट बात है। तो उसके लिए मैथमेटिक्स का सहारा लिया जाता है और उसके लिए लेमा या थ्योरम्स लिखे जाते हैं ताकि आप अपनी बात को सही तरीके से जस्टिफाई कर सकें। एनी हाउ, तो इन द बेसिस ऑफ दैट प्रीवियस नॉलेज और हमने जो बात पढ़ ली है उसको मैं जल्दी जल्दी गो थ्रू कर देता हूँ, क्योंकि कुछ स्लाइड्स जो हैं वो उनके सब चैप्टर में मौजूद थी, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इसको इनकॉर्पोरेट कर दिया है, वरना ये बात हम पहले ट्यूरिंग मशीन में भी डिस्कस कर चुके हैं। लूपिंग एंड डिफाइनिंग द लैंग्वेजेस, द पॉसिबिलिटी ऑफ द लूपिंग इफेक्ट, हाउ वी डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन अ मशीन एंड लैंग्वेज इट डिफाइंस, यानी लूपिंग की कंडीशन को हम कैसे डिफाइन करते हैं। तो अब हमारी जिम्मेदारी यह है कि हर चीज़ को एक लैंग्वेज की फॉर्मेट में प्रॉपरली लिखें, ठीक है, और उसके लिए जो हमारी डिस्क्रिप्शन है जिसको हम एल्गोरिथम कहते हैं, हाई लेवल डिस्क्रिप्शन, वो लिख सकें ताकि हम ये बता सकें कि इसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन बनाई जा सकती है। तो उसके लिए सबसे पहले ये होता है कि आप अपनी लैंग्वेज को, यानी जो प्रॉब्लम है उसको लैंग्वेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकें। लैंग्वेज फॉर्मेट में कन्वर्ट करने का मतलब होता है कि देयर इज अ सम लैंग्वेज एंड सम टोकन्स, यानी कि लैंग्वेज है और उसके कुछ टोकन्स जैसे पॉलिनोमियल है और उसका रूट हासिल करना उसका टोकन है, और वो रूट जो है उसके टोकन्स होते हैं। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो आप कन्वर्ट करेंगे। जैसे ग्राफ है तो ग्राफ जो है वो कनेक्टेड है या नहीं है, तो इनपुट में आप ग्राफ देते हैं और फिर उसकी कनेक्शंस के लिए जो आप एजेस वगैरह यूज करते हैं वो उसके टोकन से बताइए बताइए कि ये कनेक्टेड है या नहीं। तो कहता है दैट EMM रिकॉग्नाइज द लैंग्वेज L, M एक ट्यूरिंग मशीन है, रिकॉग्नाइज करेगा या करता है लैंग्वेज L को अगर The string L put M, यानी वो string जो है वो M को अगर दिया जाए, ठीक है, into accept state, उसको accept state पर ले जाए, the string not in L, अगर उस L में, यानी string जो है not in L, यानी language का हिस्सा नहीं है string, तो either put M into the reject state, उसको reject की तरफ ले जाए, और causes M to loop, या फिर loop ले जाए, यानी अगर तो वो एक्सेप्ट कर ले और रिजेक्ट कर दे, यही दो काम करे, तो इसको हम डिसाइडेबल कहते हैं। लेकिन अगर लूप की कंडीशन रेस कर देता है तो फिर वो डिसाइडेबल लैंग्वेज में कर नहीं कहलाती। तो इसकी डायग्राम हम बार बार देख चुके हैं, ये इसकी डायग्राम है, और ये मशीन जो पहली वाली है वो डिसाइडेबल है और दूसरी लैंग्वेज जो है वो रिकॉग्नाइजेबल है कि आइदर यू में एक्सेप्ट और रिजेक्ट। ये सब लोग एक तरह से रिविजन ली थी, मैं इसको करा रहा हूँ क्योंकि ये बात आप पढ़ चुके हैं। लास्ट वाली लाइन पढ़ रहा हूँ मैं इसकी, इज एवरी रिकॉग्नाइजर अ डिसाइडर, नो,
और इज एवरी डिसाइडर इज रिकॉग्नाइजर, यस, यानी जो क्योंकि रिकॉग्नाइजर एक सुपरसेट है, डिसाइडर एक सबसेट है, क्योंकि डिसाइडर में दो अपॉर्चुनिटी है, रिकॉग्नाइजर में तीन अपॉर्चुनिटी। कहता है लैंग्वेज इज ट्यूरिंग डिसाइडेबल इफ सम ट्यूरिंग मशीन डिसाइडेड, डिसाइड का मतलब है आदर एक्सेप्ट आदर रिजेक्ट, इज कॉल्ड रिकर्सिव लैंग्वेज। लैंग्वेज इज ट्यूरिंग रिकॉग्नाइजेबल इफ सम ट्यूरिंग मशीन रिकॉग्नाइज इट, रिकर्सिव इनहेरिबल लैंग्वेज कहलाता है। आप इसके लिए बना तो देते हैं मशीन, लेकिन यू कैन नॉट फाइंड द सोल्यूशन, आप लूप को भी फंस सकते हैं। तो इस बेसिस पे इन्होंने यहाँ पे दोबारा से हिल्बर्ट 10 प्रॉब्लम को डिस्कस किया है। इसमें एक बात जो पहले भी बता चुका हूँ, शायद कुछ स्टूडेंट ने उसको अगर केयरफुली नहीं सुना हो या मिस कर गए हों, तो वो मैं बात आपको बता देता हूँ कि हिल्बर्ट 10 प्रॉब्लम एक प्रॉब्लम है जो पॉलिनोमियल के लिए बनाया गया, और उसने कहा कि कैन वी राइट एनी एल्गोरिथम टू फाइंड अ रूट ऑफ अ पॉलिनोमियल, क्या हम एक ऐसा एल्गोरिथम लिख सकते हैं जिसमें हम पॉलिनोमियल के लिए रूट निकाल सकते हो। तो अब पॉलिनोमियल क्योंकि अनडिफाइन है, अनडिफाइन से मुराद ये है कि सिंगल वेरिएबल भी हो सकता है, मल्टीपल वेरिएबल्स भी हो सकता है पॉलिनोमियल, तो इस बेसिस पे उसने कहा कि पॉलिनोमियल पी has integral root if the variable of p can be assigned to integer, ठीक है, assign an integer value to make p evaluate to zero, यानी अगर आप कोई value लेते हैं और उसके अंदर put करते हैं तो p के अंदर जो polynomial है तो आपको result zero मिल जाता है। जैसे यहाँ पर ये है तो इसको तो हमने factorize कर लिया और answer निकाल दिया one or two, अगर one रखें तब भी zero, two रखें तब भी zero आ जाएगा। इस बेसिस पे इसने कहा कि अब देखिए इसको लैंग्वेज फॉर्मेट में कन्वर्ट कर दिया कि लैंग्वेज डी पी सच दैट पी इज अ स्टार्टिंग दैट रिप्रेजेंट्स अ पॉलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल विद एन इंटीग्रल रूट। अब देखिए वन वेरिएबल का वर्ड पे इन्होंने फोकस किया है कि वन वेरिएबल जो है ये मौजूद है, इस डी इज डिसाइडेबल और टी एम के। अब देखिए हमने तो कहा कि हिल्बर्ट 10 प्रॉब्लम में आप एल्गोरिथम नहीं लिख सकते, वजह यह है कि आपने एक ऐसा पॉलिनोमियल दे दिया जिसके रूट्स इंटीग्रल नहीं है और आप उसको इंटीग्रल रूट ढूंढे जा रहे हैं। तो फिर यहाँ पर वो ये पूछ रहा है कि अगर पॉलिनोमियल वन वेरिएबल का हो तो इज इट पॉसिबल वी कैन से दैट दिस वन इज अ डिसाइडेबल। तो अगर एक जनरल बात की जाए तो वी will say this is not a decidable problem because we wouldn't be able to find a real root if polynomial hasn't got any real roots. अगर polynomial real root नहीं रखता है तो हम उसका real root हासिल कर ही नहीं सकते। लेकिन कुछ scientists ने इस पर काम किया है और बताया ये है कि मुझे नाम याद नहीं आ रहा, last slide में हमने पढ़ा था, उस slides में लिखा हुआ भी है, नाम मार्टिन नाम है या शायद इस तरह से कोई नाम है साइंटिस्ट का, जिसने ये बात मैथमेटिशियन है जिसने ये बात प्रूफ की थी कि अगर आपके पास सिंगल वेरिएबल पॉलिनोमियल हो तो हम डिसाइड कर सकते हैं कि इसके रूट्स इन इस लिमिट के अंदर ही लाई करेंगे, यानी कोफिशिएंट्स के ऊपर एक फॉर्मूला लगाया जाता है जिसके बेसिस पे डिसाइड कर लिया जाता है कि इसके रूट्स माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, अब वो कोई भी वैल्यू हो, इसके दरमियान ही लाएंगे। अगर इसके दरमियान नहीं है तो इसका मतलब है इसके रूट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो ये एक अच्छी बात हो गई सिंगल वेरिएबल में कि आप कह सकते हैं कि आपके रूट जो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी तक ही लाई कर सकते हैं, इज डिपेंडिंग ऑन द कोफिशिएंट्स, माइनस इन्फिनिटी इज सम वैल्यू, लाइक मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये मेरे मुझे नहीं पता, 100, 102, लेट सपोज प्लस 200 तक, हो सकता है कोई इक्वेशन हो जिसके रूट इसी के दरमियान लाई करेंगे, तो इट इज ईजी टू चेक ऑल दीज वैल्यू, और कितना टाइम लगेगा इस पर हमारा कदम मुनसर नहीं है, लेकिन हम कर सकते हैं। ये एक साइंटिस्ट थे मैथमेटिशियन, उन्होंने ये बात बता दी थी कि फॉर सिंगल वैल्यू वी कैन फाइंड द लिमिट्स ऑफ द रूट। तो अगर ऐसा है तो वी कैन से दैट दिस पॉलिनोमियल इज अ डिसाइडेबल, यानी ये वाला प्रॉब्लम जो हमारे पास है, ये वाला जो लैंग्वेज जिसमें सिंगल वेरिएबल हो वो डिसाइडेबल। RTM can be built that decide whether or not a polynomial P is in D. ठीक है? तो इसमें कहता है D is decidable because, देखिए इसमें क्लियर लिखा हुआ है, D is decidable because for polynomials over one variable,
a limit for the root is known to exist. Root must be between minus limit to a plus limit. इसके दरमियान एग्जिस्ट होता है. ये जो माइनस लिमिट प्लस लिमिट लिखा हुआ है, ये फॉर्मूले से हासिल हो जाता है उस पॉलिनोमियल को जो दिया हुआ है उसके बेसिस पे. सो वी कैन मेक अ ट्यूरिंग मशीन विच कैन डिसाइड द लेंथ. इनपुट अ पॉलिनोमियल, अब मशीन किस तरह बन रही है, इनपुट अ पॉलिनोमियल पी ओवर वेरिएबल एक्स. एक्स का मतलब है सिंगल वेरिएबल, एक्स वाई जी कोई भी ले लें लेकिन बट शुड बी सिंगल. एंड वैल्यूएट पी विद एक्स सेट सक्सेसिवली, और उसके बाद हम एक्स जो वेरिएबल हमारे पास है सिंगल वेरिएबल उस पर हम डिफरेंट वैल्यूज जो रेंज आएगी यहाँ से वो पुट करना शुरू कर देंगे. और उन्हीं में वो, क्योंकि वो रेंज लिमिटेड है, 2000 ही क्यों ना हो एलिमेंट्स लेकिन है फिर भी लिमिटेड, तो उनमें से अगर पॉलिनोमियल, देखें ये जो लिमिट है वो ये नहीं कह रहा कि इसमें होना ज़रूरी, उसने कहा इसमें इसी के दरमियान होना चाहिए. अगर इस इन बिटवीन नहीं है तो इसका मतलब है ये पॉलिनोमियल रियल इंटीजर रूट नहीं रखता है. तो आपने सारी वैल्यूज पुट कर ली. इफ पी वैल्यूड टू जीरो, अगर पी जो है वो इन वैल्यूज के बेसिस पे जीरो आ जाता है फॉर एनी एक्स, कोई भी एक्स पे जब रख रहे हैं, एक्सेप्ट अदरवाइज रिजेक्ट. तो अब यहाँ लूप की कोई बात नहीं आई सिंगल वेरिएबल का, तो इस वजह से हम कह सकते हैं जो इसने यहाँ पे बोला था कि इज डी इज डिसाइडेबल, आप कहेंगे हाँ अगर सिंगल वेरिएबल है तो ये डिसाइडेबल है. बट अगर अगली प्रॉब्लम को देखें तो इसी तरह से प्रॉब्लम लिखी हुई है, पी सेड दैट पी इज अ स्ट्रिंग दैट रिप्रेजेंट अ पॉलीनोमियल विद एन इंटीग्रल रूट, देयर इज नो इंडिकेशन ऑफ द सिंगल वेरिएबल. तो अब ये प्रॉब्लम है कि सिंगल वेरिएबल नहीं है तो इसके लिए रेंज ऑफ इंटीजर नहीं बना कि भाई इसके रूट्स किस रेंज के अंदर लाई करेंगे. तो डी इज रिकॉग्नाइजेबल बट नॉट डिसाइडेबल. व्हाई? बिकॉज वी कैन नॉट फाइंड द रेंज ऑफ द इंटीग्रल रूट. मशीन एम रिकॉग्नाइज्ड ही इनपुट द पॉलिनोमियल, बाकी सारी बातें वैसी हैं, पी इज जीरो एंड कम्बाइंड एक्सेप्ट इस तरह कर लेंगे. तो ये जो हमारे पास अगली बात है वो इसी लिए है कि सेवरल रूट हो तो हम इसके लिए डिसाइड नहीं कर पाते कि इंटीग्रल रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे. कई दफ़ा ये बात हो चुकी है, मैं उसको आगे लेके जाता हूँ, शायद वो मैंने पिछली बार स्लाइड दोबारा रिपीट कर दी थी. यहाँ पर है कि रिप्रेजेंट द पॉलिनोमियल विद एन इंटीग्रल रूट, और ये चलो आगे पीछे हो गए, ये मैंने बता दिया. गिवन अ हॉल्ट प्रॉब्लम, ये वही स्लाइड जब मैंने मिस कर दिया. दस एम इज अ रिकॉग्नाइजेबल बट नॉट अ डिसाइडेबल, क्योंकि आप मोर देन वन वेरिएबल्स के लिए रूट को डिसाइड नहीं कर पाते. बाकी हॉल्ट प्रॉब्लम हम पढ़ चुके हैं कि अगर हॉल्ट के अंदर दो इश्यूज आते हैं, एक एक्सेप्ट और एक है रिजेक्ट, दोनों हॉल्ट कहलाते हैं. अगर इन दोनों के अलावा कोई चीज़ है तो वो बेसिकली लूप होती है. इसी तरह सी, जावा और अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी आप कह सकते हैं कि क्या अगर आप एक ट्यूरिंग मशीन से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चेक कर रहे हैं कि क्या ये रिकॉग्नाइजेबल है या डिसाइडेबल है, तो आप कहेंगे मुझे नहीं पता इस वक्त ये प्रोग्राम जो है वो किस तरह चल रहा है, क्योंकि अगर वो किसी लूप में फंसा हुआ है, लूप जो कि अनडिफाइंड हो गया है किसी वजह से, तो फिर वो एक अनरिकॉग्नाइजेबल प्रॉब्लम होगा क्योंकि वो लूप रुकेगा नहीं. तो ये बात उन्होंने हमें बताई. ये बातें क्योंकि हम इसलिए जल्दी जल्दी क्विकली कर रहे हैं कि ये आपने मिड भी दे दिया है तो काफ़ी हद तक ये बात तो आपको मालूम ही है, तो लिहाजा इसको हम थोड़ा क्विकली ओवरव्यू कर रहे हैं. गिवन अ डीएफए, अब ज़रा यहाँ से सुनने की कोशिश कीजिएगा, ये मोर स्पेसिफिक टूवर्ड्स आवर टॉपिक है जो डिसाइडेबल के लिए इस्तेमाल है, और इसमें कोई 8-10 थ्योरम्स हैं, बहुत आसान आसान से थ्योरम्स हैं जो हम एक दफ़ा थ्रो करते हैं और यहाँ से जो है वो थ्योरम्स जो है वो शुरू हो रहे हैं स्लाइड नंबर 13 से. पुरानी बात खत्म हो गई, अब नई बात जो शुरू हो. कहता है गिवन अ डीएफए एंड अ स्ट्रिंग, विल द डीएफए एक्सेप्ट, यानी एक स्ट्रिंग है जो कि डीएफए उसको एक्सेप्ट करता है. Is this problem is decidable? अब उसने पूछा है कि क्या जो डी एफ ए जो हमने पढ़ा है पहले, डी एफ ए क्या एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है. उसने एक बड़ी लैंग्वेज यानी पूरे डी एफ ए के बारे में पूछ लिया कि डी एफ ए खुद एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है या नहीं है. दिस इज़ द कंप्यूटिंग प्रॉब्लम. कंप्यूटिंग प्रॉब्लम का मतलब है कि एक ऐसा प्रॉब्लम जो डिसाइडेबल हो. कंप्यूटिंग मतलब होता है डिसाइडेबल प्रॉब्लम, जो एक्सेप्ट या नहीं. उसने बताया कि दिस इज अ, ठीक है, तो अब आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि ये एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम. लैंग्वेज आर डिसाइडेबल, वी मस्ट एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ लैंग्वेज. अब आपको पूरे डीएफए को एक लैंग्वेज की फॉर्मेट में लिखना पड़ेगा, यानी आप
अगर मैं ट्यूरिंग मशीन की सिमुलेशन बताऊं तो आप कहेंगे देखें भाई ये मेरा है ट्यूरिंग मशीन और मैं यहाँ से इसके अंदर एक DFA जनरेट करूँगा, यानी एक सिमुलेट करूँगा DFA, ठीक है, ट्यूरिंग मशीन के जरिए एक DFA जनरेट करूँगा और इनपुट के तौर पे एक DFA सिमुलेट कर लिया मैंने और इनपुट के तौर पे यानी आप यहाँ से क्या चीज़ें ले रहे होंगे, आप ले रहे होंगे एक इन्फो ऑफ डी एफ ए का मतलब है जो इन्फो DFA बनाने के लिए आपको चीज़ें दरकार हैं वो आप जो भी DFA चाहिए आपको वो आप यहाँ से भेज देंगे और साथ में एक इनपुट स्ट्रिंग देंगे W। जब ये दो चीज़ें देंगे तो ये इस इन्फो के बेसिस पे इस DFA को जनरेट करेगा, इस स्ट्रिंग के बेसिस पे जो ये स्ट्रिंग यहाँ से आ रही है इसके साथ इसको जो है वो सिमुलेट करेगा और उसके बेसिस पे दो आउटपुट देगा। अब ये दो आउटपुट क्या होगा कि या तो ये एक्सेप्ट होगा या फिर ये रिजेक्ट होगा। क्या कोई लूप की कंडीशन आएगी? आप कहेंगे नहीं, क्योंकि DFA अपने टोकन को या तो एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है, लेकिन आपने उसको जनरेट जो है ना उसको टेस्ट किससे किया, ट्यूरिंग मशीन से। तो ये जो ट्यूरिंग मशीन से टेस्टिंग होती है जिसको हम कंप्यूटिंग प्रॉब्लम कहते हैं, जिसमें एक्सेप्ट और रिजेक्ट का वर्ड यूज होता है, लाजमी तौर पर लूपिंग नहीं होती, इसको टोटल ट्यूरिंग मशीन भी कहते हैं, जिसमें सिर्फ एक्सेप्ट और रिजेक्ट का वर्ड यूज हो रहा हो, इस कॉल्ड टोटल ट्यूरिंग मशीन। तो लैंग्वेज आर डिसाइडेबल, वी मस्ट एक्सप्रेस द प्रॉब्लम इन टर्म ऑफ, अब इस ये जो मैंने लिख बनाया डायग्राम इसको हम थ्योरेटिकली एक लैंग्वेज के फॉर्मेट में भी लिख दें ताकि हम कह सकें कि ये एक लैंग्वेज। तो कहता ये है कि देखें ये लैंग्वेज के फॉर्मेट में यहाँ पे लिख दिया ए DFA, एक ए जो है वो DFA है, ये बिल्कुल एज इट इज बुक से कॉपी पेस्ट किया हुआ, तो काफ़ी थ्योरम्स हैं इस बेसिस के ऊपर, तो वो हम बार बार पढ़ लेते हैं ताकि हमें ये समझ आ जाए क्या बात हो रही है। तो कहता है ए DFA इज इक्वल टू, ठीक है, बी कॉमर W, बी इज अ DFA दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग W, यानी बी जो है वो एक DFA है, यानी बी जो है वो DFA के वो पार्ट्स हैं जिससे आप जिसको आप एक लैंग्वेज कह रहे हैं ट्यूरिंग मशीन के लिए, ठीक है, दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग W और W को वो एक्सेप्ट करेगा इज डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो ठीक है ये बात हमें समझ आती है, लेकिन आप इसको एक फॉर्मल फॉर्मेट के अंदर जब लिखेंगे तो आप किस तरह लिखेंगे? वो कहता है कि प्रोवाइड अ ट्यूरिंग मशीन, ठीक है, एक ट्यूरिंग मशीन दैट डिसाइडेड, जो कि डिसाइड करेगा उसको, द ट्यूरिंग मशीन इज गिवन एज इनपुट बी कॉमा W, हम ट्यूरिंग मशीन को ये टपल्स इनपुट के तौर पर देंगे और बी जो है वो DFA की इंफॉर्मेशन होगा, अ DFA एन ए स्ट्रिंग W, द TM चेक्स टू मेक श्योर मेक श्योर बी इज अ वैलिड रिप्रेजेंटेशन, यानी हम सबसे पहले ये चेक करते हैं कि बी जो इंफॉर्मेशन दी गई है उससे DFA बन सकता है, तो ये वैलिड रिप्रेजेंटेशन है DFA की या नहीं, जो रिक्वायरमेंट फॉर सिमुलेटिंग द DFA है वो रिक्वायर्ड है या नहीं, वो दिया गया है या नहीं। उसके बाद द TM देन सिमुलेट बी ऑन W, उसके बाद हम बी बना लेते हैं और बी बनाने के बाद W से उसको चेक कर लिया जाता है। तो कहता है नंबर फोर में, इफ बी रीचेज अ फाइनल स्टेट, और अगर बी जो है यानी जो DFA है वो रीच कर जाता है फाइनल स्टेट पे एट द एंड ऑफ W के आखिरी कैरेक्टर के बाद, देन TM विल एक्सेप्ट, तो वो TM को एक्सेप्ट करा देंगे, यानी सिमुलेट तो अंदर DFA हो रहा है लेकिन TM एक्सेप्ट हो जाएगा, अदरवाइज TM विल रिजेक्ट, और अदरवाइज TM रिजेक्ट हो जाएगा, द TM विल ऑलवेज हॉल्ट, TM जो है वो हमेशा हॉल्ट होगा। इस वजह से हम कह सकते हैं कि ए DFA विथ दिस एंड दिस इज कॉल्ड अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम, ये एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम, ठीक है, ये तो हो गई एक बात। अब इस तरह के छोटे छोटे से हमारे पास एल्गोरिथम है जिसमें हमें अप्रोच लगानी है बस, यानी अपनी वो अप्रोच जो हम सोच सकते हो वो अप्लाई करके हमें ये प्रूफ करना है कि जो कहा जा रहा है यानी NFA के बारे में DFA के बारे में कि ये एक डिसाइडेबल है अनडिसाइडेबल है वट एवर क्या है, उसको आप इस लिस्ट इसी फॉर्मेट के अंदर लिस्ट कर देते हो। बहुत सारे एल्गोरिथम है, मैं सारे तो नहीं पढ़ाऊंगा, कुछ पढ़ा के फिर आगे निकल जाएंगे हम, और बाकी आप खुद बुक में रीड कर लीजिएगा। तो कहते हैं द लैंग्वेज NFA बी कॉमर W, बी इज एन NFA, अब NFA की बात हो रही है, दैट एक्सेप्ट स्ट्रिंग W इज डिसाइडेबल, ये थ्योरम एज इट इज लिखा हुआ है। कहते हैं NFA जो है वो भी एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, यानी NFA को अगर देखा जाए तो वो भी एक डिसाइडेबल। तो अब आप इसको कैसे करेंगे,
तो आप कहेंगे कोई मसला ही नहीं है, जैसे अभी हमने MBFA के लिए लिखा वैसे ही NFA के लिए लिख दें कि भाई आप बी जो है वो ट्यूरिंग मशीन को दें, बी इज अ इंफॉर्मेशन ऑफ ट्यूरिंग मशीन और डब्ल्यू उसके ऊपर सिमुलेट कर दें। जब सिमुलेट कर दें, सिमुलेट का मतलब है उसके ऊपर जो रन करने का हर करेक्टर का रन करने का तरीकेकार है वो करके फिर आप बता दें कि अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है डब्ल्यू जो गिवन है तो आप एक्सेप्ट कर लें, और डब्ल्यू एक्सेप्ट नहीं हो रहा तो रिजेक्ट कर लें। तो वो दो ही ऑप्शन के। लेकिन मसला यहाँ पर क्या आएगा, मसला यहाँ पे आएगा कि आप NFA तो बना लेते हैं लेकिन इशू ये होता है कि डब्ल्यू के लिए इसको सिमुलेट करना मुश्किल है। आपको याद होगा कि हमने ये बात डिसाइड की थी कि अगर एक प्रॉब्लम जब आपको दिया जाता है तो प्रॉब्लम जो लैंग्वेज को सिमुलेट करने के लिए अगर दिया जाए जो कि लेक्सिकल एनालाइजर लेवल पे है, लेक्सिकल एनालाइजर लेवल का मतलब है जो टोकन्स फॉर्मेट में रेगुलर लैंग्वेजेस के लिए इस्तेमाल होते हैं, तो आप कहते हैं एक लैंग्वेज जब आपको दी जाए तो इसके लिए हमारे पास जो तरीका होता है वो ये होता है कि सबसे पहले आप इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं, ठीक है, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखते हैं कि सबको अंडरस्टैंड हो जाए कि प्रॉब्लम क्या है। फिर आप इस रेगुलर एक्सप्रेशन से NFA बनाते हैं। NFA बनाने के बाद जो NFA इसलिए बनाते हैं कि NFA बनाना ज़रा आसान है, लेकिन NFA को इम्प्लीमेंट नहीं करते कभी भी। ये मैंने आपको पहले ही बताया था, NFA से आप इसको ट्रांसफॉर्म करते हैं DFA में, वैसे भी बता चुका हूँ मैं आपको। NFA से DFA में इसलिए ट्रांसफॉर्म करते हैं कि इसके पास किसी एक टोकन को एक्सेप्ट कराने के लिए 2n मल्टीपल पाथ्स हैं। अब अगर आप वर्स्ट केस में फंस गए, तो यानी वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, क्योंकि NFA इज नॉन डिटर्मिनिस्टिक, तो एक ही बात के लिए कई रास्ते एग्जिस्ट करते हैं। इफ़ यू विल स्टक इन द वर्स केस तो हो सकता है कि 500 डिफरेंट रास्तों के बाद आपको आपका रास्ता मिले, तो देयर इज अ ह्यूज नंबर ऑफ द ट्रायल एंड हिट मेथड ना। तो आप कहते हैं कि ये बड़ा डिफिकल्ट है कि मैं NFA बन तो जाएगा, ट्यूरिंग मशीन NFA बना तो लेगा, लेकिन सिमुलेशन करने में इसका टाइम बहुत कंज्यूम होगा। तो दिस इज नॉट अ गुड वे टू बेसिकली इम्प्लीमेंट होल NFA with simulation with W using the Turing machine, ये करना हमारे लिए suitable नहीं है। इन्होंने यहाँ बताया भी है ये बात कि number one idea ये है कि construct TM that takes as input the representation of and NFA B, B का मतलब है कि वो NFA का नाम है B and the candidate string W। अब कहते हैं simulate NFA on W, अब NFA तो बना लिया, उसको सिमुलेट कर रहे हैं, यानी बनाने के बाद जब सिमुलेट का मतलब होता है कि वो दोनों काम कि आप कंस्ट्रक्शन भी कर लिया और उसके बाद आप डब्ल्यू पी एस के ऊपर वैलिडेट करने के लिए भी जा रहे हैं, तो लिटिल बिट डिफिकल्ट बिकॉज अ सिंगल इनपुट करेक्टर हैज सेवरल अदर स्टेट टू रीड। ये वो जुमला आ गया ना कि एक जगह खड़े हैं और आपके पास एक करेक्टर मौजूद है, कई रास्ते आपके पास मौजूद हैं और हर स्टेट पर ऐसा हो रहा है, तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट टू डिसाइड विच पाथ इज द करेक्ट वन राइट नाउ। इफ़ यू विल चूज वन एनी ऑफ देम वन, तो फिर हो सकता है कि वो गलत भी पाथ हो, तो वर्स्ट केस सिनेरियो में तो गलत अगर पिक हो जाए तो आपको कई डिफरेंट पाथ जो है वो चेंज करने पड़ेंगे, इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू सिमुलेट। तो इसलिए वो कहता है कि ये तरीक़ेकार तो सही नहीं है। अब ट्यूरिंग मशीन की जिम्मेदारी बढ़ गई, वो कहता है कि अप्रोच टू पे क्या करना चाहिए हमें, कि जो NFA की इंफॉर्मेशन दी हुई है, जो NFA की इंफॉर्मेशन आपने एज अ लैंग्वेज यहाँ पे दी हुई है, इसके थ्रू सबसे पहले हम NFA से PDFA कन्वर्ट कर लें सबसेट कंस्ट्रक्शन मेथड से, दिस इज एन एल्गोरिथम। अब आपसे क्या कहा गया, जिस चीज़ का एल्गोरिथम लिखा हुआ है उसका TM बासानी बन सकता है, तो NFA टू DFA कन्वर्जन का एल्गोरिथम मौजूद है जिसको हम सबसेट कंस्ट्रक्शन कहते हैं। इट मीन्स वी कैन राइट द कन्वर्जन एल्गोरिथम NFA टू DFA, तो आप आसानी NFA से DFA कन्वर्जन कर लीजिए। दिस एल्गोरिथम वाज डिस्क्राइब इन चैप्टर वन, वी कुड प्रोग्राम आर TM टू डू इट। हम ये लिख सकते हैं TM, क्योंकि TM के लिए बात तय हो चुकी है, कैसे लिखेंगे हम अभी कोई जोर नहीं दे रहे क्योंकि ये क्वाइट डिफिकल्ट टास्क है, लेकिन क्योंकि ये बात प्रूव हो चुकी है कि एनी एल्गोरिथम कैन बी रिटन, यू मे मेक अ ट्यूरिंग मशीन फॉर टाइप वन, तो आप कोई भी एल्गोरिथम लिखते हैं तो उसके लिए एक ट्यूरिंग मशीन बना सकते हैं, तो इसका मतलब है इसका भी ट्यूरिंग मशीन बन जाएगा। देन इट इज ईजी टू सिमुलेट DFA टू W, हम उसके बाद जो DFA बनाया है उसके ऊपर W को मैच कर लें। वी कुड द सेम प्रोसेस जो अभी हम थोड़ी देर पहले कर रहे थे कि अगर W इसके ऊपर जाने के बाद एक्सेप्ट किया तो ट्यूरिंग मशीन एक्सेप्ट। तो अब आप जब ट्यूरिंग मशीन का डिज़ाइन करेंगे, असर आपसे कहता है डिज़ाइन करें ट्यूरिंग मशीन,
अब कहेंगे ट्यूरिंग मशीन की डिजाइनिंग थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। आप कहेंगे यहाँ पर आप इनपुट देंगे, ये इनपुट आ गया, इनपुट जो है वो आप NFA की कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे। NFA पूरा नहीं देते, NFA के कैरेक्टरिस्टिक्स देते हैं, बता देते हैं नोड्स कितने हैं कौन सा, तो बेसिकली आप NFA की कैरेक्टरिस्टिक्स इनपुट दे देते हैं और यहाँ पे आप W स्ट्रिंग दे देते हैं इनपुट। यहाँ पे जो NFA आएगा तो आप लिखेंगे यहाँ पे वी विल परफॉर्म NFA टू DFA कन्वर्जन, यानी जो भी NFA है आपको मिला है वो NFA टू DFA कन्वर्जन जो है वो आप बनाएंगे। यहाँ पे जो DFA बन जाएगा तो आप इसको शो कर सकते हैं कि दिस इज कॉल्ड आवर DFA, ये हमारा DFA आ गया। अब ये DFA जो है बेसिकली जो स्ट्रिंग यहाँ से इनपुट ले रहा होगा वो बेसिकली डिसाइड करेगा कि अगर एक्सेप्ट है तो एक्सेप्ट और अगर रिजेक्ट है तो रिजेक्ट। ये हमारे पास एक्सेप्ट पे एक्सेप्ट और रिजेक्ट से रिजेक्ट ये DFA देगा जो कि इक्वलेंट टू NFA। कन्वर्जन आसान है क्योंकि दोनों की पावर जो है सेम। तो ट्यूरिंग मशीन जो मेन है उसका काम इनसाइड, हमें नज़र तो आ ही नहीं रहा होगा इनसाइड क्या हो रहा है, ये हमारे लिए एब्स्ट्रैक्ट होगा, लेकिन हमें ये पता है कि हम NFA दे रहे हैं, लेकिन एब्स्ट्रक्शन के अंदर ये काम हो रहा होगा और उस बेसिस पे तो हम कहते हैं कि ये एक डिसाइडर, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग दिस इज अ डिसाइडर। तो इस तरह के छोटे छोटे प्रॉब्लम्स हैं, जैसे वो कहता है कि आर एक्स रिजेक्ट यानी रेगुलर एक्सप्रेशन, तो ये एक लैंग्वेज है आर कॉमा डब्ल्यू, आर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन दैट जनरेट्स स्ट्रिंग डब्ल्यू। अब आप कहेंगे कि R जो है वो एक रेगुलर एक्सप्रेशन है जो W जनरेट करता है, क्या ये यानी कोई भी रेगुलर एक्सप्रेशन है? मैं आपसे पूछूं, भाई देखो ये एक रेगुलर एक्सप्रेशन है, मिसाल के तौर पे A प्लस बी ठीक और A प्लस बी ठीक और मैं कहता हूँ दिस इज इक्वल टू दिस एंड ये हमारे पास लैंग्वेज है और हम कह देते हैं कि और हम कह देते हैं कि ये लैंग्वेज जो हमें रेगुलर एक्सप्रेशन दी गई है ये एक टोकन W जनरेट करता है, वो टोकन है ए बी बी ए बी एन बी। बताइए ये टोकन इससे जनरेट हो रहा है नहीं हो रहा है, वो ये पूछ रहा है कि R एक रेगुलर एक्सप्रेशन है और W एक टोकन है, R इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन डेट जनरेट्स W, बताइए क्या ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाले टोकन को जनरेट करेगा या नहीं करेगा। तो अब हमें इस बात को प्रूफ करना है कि ये एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, हम किसी तरह भी लूप में नहीं फंसेंगे, यानी रिकग्नाइजेबल कंडीशन में। चैप्टर का नाम ही डिसाइडेबल है, वो आपको रिकग्नाइजेबल भी क्लियर कर रहा है लेकिन डिसाइडेबल के बारे में आपको बता रहा है कि दिस इज आर डिसाइडेबल प्रॉब्लम। तो आप बताइए कि क्या स्टेप लगाए जाए इसके, कोई ऐसे बता दें लिख के बता दें बोल के बता दें कि इफ़ वी देखिए बात बहुत आसान सी है, हमने कोई मेहनत बहुत नहीं करनी, ना ही हमें ट्यूरिंग मशीन बनानी है, जस्ट वी हैव टू राइट सम स्टेप्स के हाउ टू डू दिस वन, यानी ट्यूरिंग मशीन अगर मैं बनाता हूँ इस बात को सिमुलेट करने के लिए तो डेफिनेटली इसका एंड पॉइंट एक्सेप्ट या रिजेक्ट हो। अब यहाँ से इनपुट में तो डेफिनेटली आप रिजेक्ट्स आर ले रहे होंगे, रिजेक्ट रेगुलर एक्सप्रेशन और एक स्ट्रिंग डब्ल्यू ले रहे होंगे। अब मसला सिर्फ ये है कि आपने बताने के अंदर क्या करेंगे, आप इस बॉक्स के अंदर क्या करेंगे जो एक क्लाइंट के लिए एक यूज़र के लिए हिडन होगा, लेकिन आप कोई ऐसा यहाँ पे कारनामा करेंगे जो ये आपको ऑनली एक्सेप्ट या रिजेक्ट ही आंसर देगा, तो वो क्या होना चाहिए, क्या स्टेप्स बताएं इसमें? जी सर, सर इसमें एक कंप्यूटेशन प्रॉब्लम होगी जो उस एक कैरेक्टर को जो है बेसिकली एक एक कैरेक्टर को उस रेगुलर एक्सप्रेशन पे अप्लाई करता चला जाएगा और जो है ये चेक करेगा क्या वो एक्सेप्ट हो रहा है या आगे बढ़ रहा है, मतलब मशीन जो है वो अगले कैरेक्टर पे जा रही है और इसको एक्सेप्ट कर रही है, फिर अगले कैरेक्टर पे जा रही है एक्सेप्ट कर रही है, इवेंचुअली एंड ऑफ द स्ट्रिंग आ जाएगा। तो इनाम भाई क्या हमने ऐसा किया है कभी कि हमारे पास ये टोकन हो, मिसाल के तौर पे एज अ ह्यूमन तो हमने देख के बात कर ली थी, लेकिन क्या हमने ऐसा CFG में किया था, हमने कि CFG से हमने कैरेक्टर जनरेट, क्या हमने रेगुलर एक्सप्रेशन में ऐसा कभी किया है कि ये रेगुलर एक्सप्रेशन ये मैं देख के तो बता सकता हूँ कि हाँ ये इसका पार्ट है क्योंकि डबल वी पे एंड होना है तो डबल वी पे एंड हो रहा है, लेकिन क्या हमने कोई ऐसे स्टेप फॉलो किए जिसकी वजह से हम कह सकें कि ये वाला रेगुलर एक्सप्रेशन ये वाले टोकन जनरेट करेगा, फॉलो ऑफ द स्टेप हमने कभी किया हो? सर इंट्रिंसिकली मेरा ख्याल है माइंड तो यही कर रहा होता है,
अगर हमें पॉसिबल स्ट्रिंग्स दिए जाते हैं और रेगुलर एक्सप्रेशन दी जाए तो हम एक्चुअली, और ना भी लिखें तो दिमाग में तो हम यही कर रहे होते हैं कि एक एक कैरेक्टर को देखते हैं, हाँ ये एक्सेप्ट हो गया, आगे बढ़े, नहीं ये एक्सेप्ट कैसे, पैटर्न वही तो पूछ नेचुरल रहा है। हूँ। नहीं नहीं मैं समझा नहीं, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है मेरे पास और ये मेरे पास टोकन है। पहला कैरेक्टर मैं ए लूंगा, ठीक है, मैं मुझे तो इनपुट ट्यूरिंग मशीन को ये दो चीज़ दी गई ना, ट्यूरिंग मशीन को हमने कहा ये लो रेगुलर एक्सप्रेशन और ये लो टोकन। अब हमने अंदर प्रोसीजर लिखना है, तो अब हम क्या प्रोसीजर, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन इज समथिंग लाइक एन एल्गोरिथम, तो सबसे पहले आप इसका ए रीड करेंगे, ए रीड करके यहाँ पे क्या चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, क्या करेंगे जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये ए एक्सेप्टेबल है रिजेक्टेबल है, सिर्फ सर ए के रेगुलर बारे में। एक्सप्रेशन के लिए हम डीएफए बनाते हैं ना, हम टीएम को एक डीएफए देंगे रेगुलर एक्सप्रेशन के केस में कि क्या ये जो स्ट्रिंग है हाँ डीएफए से, इस रेगुलर एक्सप्रेशन की डीएफए से एक्सेप्ट हो रहा है। अब आप देखें, अब आप काफी हद तक नियर पहुंच गए, बहुत हद तक नियर पहुंच चुके हैं, लेकिन आपको बताना ये चाहिए कि इनपुट तो हम डीएफए दे नहीं सकते क्योंकि हमारी मशीन ही रेगुलर एक्सप्रेशन है। तो अब आप ये कहेंगे कि जब आपके पास जो रेगुलर एक्सप्रेशन इनपुट किया जा रहा है, जो आपने कहा ना उसको मैं सिर्फ फर्निश करूँ, आपका आंसर सही हो गया कि इनसाइड, क्योंकि ट्यूरिंग मशीन हिडन है, यूजर को ये नजर आ रहा है और ये नजर आ रहा है, ये तो हिडन एब्स्ट्रैक्ट है। आप कहेंगे जो जो रेगुलर एक्सप्रेशन हमें दी जा रही है, अगर हम इसको सिमुलेट करें तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट कि डायरेक्टली रेगुलर एक्सप्रेशन से टोकन को बता दिया जाए कि ये जनरेट होगा या नहीं होगा। तो हम ये पढ़ चुके हैं, मतलब ये जाहिर है प्रीवियस स्टडी जो हमने रिविजन की इसीलिए थी थोड़ी बहुत, कि अब हमें कम से कम ये कन्फ्यूजन तो नहीं है ना कि रेगुलर एक्सप्रेशन क्या होता है, ये बात भी हमें पता होनी चाहिए। ये पता है कि एवरी रेगुलर एक्सप्रेशन हैज अ सिंगल डीएफए, हर रेगुलर एक्सप्रेशन का एक सिंगल डीएफए जरूर होता है। ऐसा नहीं कि एक रेगुलर एक्सप्रेशन आपने लिख दी और आप कह रहे हैं कि यार इसका डीएफए तो बन ही नहीं सकता, ये हो सकता है कि मैं और आप ना बना सकें लेकिन डीएफए जरूर होगा इसका, क्योंकि रेगुलर एक्सप्रेशन बनाई उसकी जाती है जिसका डीएफए बन सकता है। तो अब आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त हो गई कि यहाँ पर अब हम इस रेगुलर एक्सप्रेशन के बेसिस पे एक डीएफए बनाएंगे पहले, ठीक है। तो डीएफए जो बनेगा वो मेरे और आपके नज़र से उज्जवल होगा क्योंकि एब्स्ट्रक्शन है, और जो डीएफए बनेगा वो ये टोकन एक्सेप्ट करेगा और इसके एक्सेप्टेंस के बेसिस पे ये एक्सेप्ट और रिजेक्शन के बेसिस पे ये रिजेक्ट होगा जो डब्ल्यू आपको देगा। तो हमें ऐसा लगेगा कि हमने ये एक्सप्रेशन दी है और रेगुलर एक्सप्रेशन, और वो बता रहा है कि ये इससे जनरेट हो सकता है या नहीं हो सकता। अब क्लियर है बात ये, तो बिल्कुल इसी तरह से होना है जैसा आपने बताया। तो यही लॉजिक हमें सर्विस से समझनी है। तो ये कहता ये है कि वी कैन बिल्ड अ टीएम और राइट अ प्रोग्राम, वो दोनों एक ही बात है, बार बार ये वाइस वर्सा करता है। गिवन अ रेगुलर एक्सप्रेशन आर एन स्ट्रिंग डब्ल्यू एज एन इनपुट will determine whether r comma w is in a r x, this algorithm tm will always hold, ye algorithm hamesha hold hoga, yani ya to reject hoga ya accept hoga. To is basis pe ek hold kiye, theek hai. To ab isko to ye to humne for proof likh liya hai, kehta ye hai ki agar hum isko solve karne ke liye jaye, देखें थ्योरम फॉर्मेट में इसने इसको लिखा है, एल्गो फॉर्मेट के अंदर कन्वर्ट अ रेगुलर एक्सप्रेशन आर टू एन इक्विवेलेंट डीएफए, जैसे अभी नाम साहब ने कहा उसका नाम हमने ए सजेस्ट कर दिया। बाय यूजिंग द प्रोसीजर फॉर दिस कन्वर्जन रन टीएम एम ऑन इनपुट ए कॉमन डब्ल्यू, और जो ए आपने बनाया डीएफए उसको ए कह रहे हैं, ये हिडन जैसे मैंने डायग्राम बनाई थी अभी, वो डायग्राम में अब आप उस W को इसके लिए सिमुलेट करें। इफ M एक्सेप्ट, ये तो आम सी बात होगी जो पहला एल्गोरिथम पढ़ा था हमने, एक्सेप्ट कर लो, इफ M रिजेक्ट तो उसको रिजेक्ट। इसका मतलब है कि ये प्रॉब्लम जो ये एक्चुअल में दी गई है वी कैन सिमुलेट बाय यूजिंग एन ट्यूरिंग मशीन एज अ डिसाइडेबल प्रॉब्लम, तो हम इसको एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम कह सकते हैं, ठीक है। ये इसका फोर्थ एल्गोरिथम है, ये सब बुक से कॉपी पेस्ट हुए हैं, आप इसको बुक में जाइएगा, जाहिर बुक में पढ़ने में थोड़ी सी ज़्यादा फॉर्मेटिंग नहीं होती, वर्डिंग बहुत ज़्यादा होती है, तो यहाँ पे मैं उसको शॉर्ट शॉर्ट करके आपको सारी जो काम की बातें मैं बता देता हूँ किस तरह से। अब आपका एक आइडिया, एक वो मिल गया वे ऑफ प्रूव ना, कि आप कैसे किया करेंगे। तो इस बेसिस पे या अब आप इसके दो तीन तरीके आपको नज़र आ रहे हैं कि आप एल्गोरिथम लिख दें और वर्डिंग में कुछ बता दें कि स्टेप्स क्या हैं, तो इसी तरीके से आप इसको प्रूफ करें, यानी जस्टिफाई करें कि जो बात की जा रही है वो ठीक है। कहता है प्रूफ दैट a finite automata not accept any string at all,
ठीक है, यानी एक ऐसा ऑटोमेटा आपने बनाया है जो किसी भी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो सबसे आसान बात तो यह है कि आप उस ऑटोमेटा में फाइनल स्टेट ही ना बनाएं, या अगर आप एक ऑटोमेटा दे रहे, क्योंकि ये तो कहीं नहीं लिखा कि आप कोई ऑटोमेटा बना रहे हैं और उसमें फाइनल स्टेट, क्योंकि इनपुट तो किसी टाइप का भी हो सकता है। यानी पहला आंसर तो ये जाएगा, आप एक ऑटोमेटा बनाइए उसमें इनिशियल स्टेट हो, ठीक, यानी डीएफए की बात हो रही है, इनिशियल स्टेट हो, और उसको ए बी से आप एक ऐसे स्टेट में भेज दें जिसमें वो घूमता रहे, और आप इसमें फाइनल स्टेट डिज़ाइन ही ना करें। पॉसिबल है, क्योंकि फाइनल स्टेट के बारे में ये बात बताई जा चुकी है कि माइट बी एग्जिस्ट और माइट बी वन और माइट बी मोर देन वन, तो हम कह रहे नहीं बना रहे, तो ये तो चलो ठीक है। लेकिन ये कहाँ लिखा है यहाँ इस पूरे सवाल में कि हम एक ऐसा ऑटोमेटा इसको नहीं देंगे जिसमें फाइनल स्टेट ना हो। हम ऐसा ऑटोमेटा भी दे सकते हैं जिसमें फाइनल स्टेट हो, तो वी शुड वेरी केयरफुल अबाउट दैट कि इफ यू आर रिसीविंग अ फाइनल स्टेट इन अ डीएफए, सो योर एल्गोरिथम और प्रूफ शुड बी ट्रू इस केस में भी कि जब आप फाइनल स्टेट दे रहे हैं। तो ये जो डीएफए है ये दोनों केसेस के लिए होना चाहिए, कि आप फाइनल स्टेट नहीं दे रहे हैं, दे रहे हैं, जो भी जैसा भी हो आप उसको प्रूफ करें। तो ये कहलाता है एम्प्टीनेस टेस्ट, यानी एम्प्टी टेस्ट का मतलब एक ऐसी लैंग्वेज जो किसी भी कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो डीएफए इज ए डिसाइडेबल, और ये एक डिसाइडेबल है, यानी ऐसा नहीं होगा कि एक डीएफए है जो किसी कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं करता हमने बनाया या जो भी हमने दे रहे हैं, तो वो एक रिकॉग्नाइजेबल प्रॉब्लम हो जाए, नहीं, वो डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, हम आसानी उसको डिसाइड कर सकते हैं। तो कहता यह है कि इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व करने के लिए हम एक ट्यूरिंग मशीन का सहारा लेंगे और इस तरह के डीएफए को सिमुलेट करेंगे, और सिमुलेट करने के बाद, यानी जो डीएफए यहाँ पर नज़र आ रहा है, तो सिमुलेट करने के बाद बता सकेंगे कि ये आइदर क्या मतलब है कि आइदर ऐसा डीएफए है जो किसी कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर ऐसा डीएफए इनपुट दिया गया जो किसी कैरेक्टर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, आप उसको फाइनली एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन कोई ऐसा डीएफए दे दिया गया है जो मिसाल के तौर पर आपने, हमारी लैंग्वेज तो यह है कि एम्प्टी हो डीएफए की लैंग्वेज, लेकिन आपने एक ऐसा डीएफए इसको इनपुट कर दिया कि इसको ए बी दिया और यहाँ पे ए कॉमा बी से एक्सेप्ट करा लिया, ये वाला डीएफए आपने इसको इनपुट कर दिया, तो हमारी लैंग्वेज को इस वक्त इस तरह के डीएफए में क्या करना चाहिए, अगर ये टीएम है और यहाँ से हम एक डीएफए इंटर कर रहे हैं, सॉरी राइटिंग के लिए डीएफए इंटर कर रहे हैं, ठीक, और स्ट्रिंग कोई नहीं दे रहे इसको, क्योंकि कोई स्ट्रिंग एज अ इनपुट नहीं जा रहा यहाँ पे, तो हम स्ट्रिंग तो कोई इनपुट दे नहीं रहे, तो हम एक डीएफए सिर्फ इनपुट दे रहे हैं इसको। अब ये डीएफए इंटरनली क्या करेगा कि हमें पता चल जाए कि ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है, एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? वी आर नॉट सेंडिंग एनी काइंड ऑफ द स्ट्रिंग ओवर देयर, लेकिन ट्यूरिंग मशीन हमें कह देगी ये एक्सेप्ट है। अच्छा, एक्सेप्ट का मतलब ये है कि जो डीएफए दिया गया है वो एक एम्प्टी लैंग्वेज का हो, डीएफए हो तो एक्सेप्ट हो जाएगा, जो डीएफए दिया गया हो वो एक एम्प्टी लैंग्वेज का डीएफए ना हो तो रिजेक्ट हो जाएगा। अब आप बताइए कि हम इस टीएम के अंदर ऐसा क्या लॉजिक लगाएं, क्या चीज़ लिखें जिसके बेसिस पे हम कह सकें कि ये एक्सेप्ट होगा या रिजेक्ट होगा, क्या, क्योंकि स्ट्रिंग तो दे नहीं रही, तो क्या सोचना चाहिए हमें, किस तरह से कर सकते हैं इसको? इंटरेस्टिंग, अच्छा, जरा कोई बात नहीं, मैं तो जाहिर है सोचने की बात तो एक मिनट में तो सोच नहीं सकता, ना इतना प्रेशर में सोच सकते हैं, सोचने के लिए तो भाई हमें पीसफुल माइंड चाहिए और काफ़ी टाइम चाहिए होता, तो मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि जाहिर है मैं जब से भी कोई पूछता तो मैं भी नहीं बता सकता, मैंने तो पढ़ा हुआ इसलिए मैं बता सकूँगा, लेकिन ये नहीं है कि आप नहीं बता सकेंगे, अगर आपको एक दिन दे दिया जाए तो आप सोच के बता देंगे। तो जनाब होगा क्या, इसको प्रूफ करने के लिए हम सेम एज अ ग्राफ मेथड इस्तेमाल करेंगे, मार्किंग स्कीम मार्क करेंगे, और मार्किंग स्कीम क्या कहती है आइए देखते हैं। यानी अब हमारा काम क्या है, हमारा काम ये है मेरे भाई कि हमें प्रॉब्लम डायग्राम से शायद आपको समझ आ गई होगी कि हम यहाँ पे एक डीएफए सिमुलेट हमें करवाना है इस तरह से कि जो हमें डीएफए मिला है बाहर से
इसके बेसिस पे हम बता सकें कि ये DFA एक्सेप्ट है यानी एम्प्टी है या DFA रिजेक्ट है यानी एम्प्टी नहीं है, बस ये बताना है। तो इस बेसिस पे आपके पास जो मेथड है प्रूफ का वो यही है जो आपने कुछ दिन पहले कुछ वीक्स पहले ग्राफ के लिखा था। देखें क्या लिखा हुआ है, और DFA accept some string if and only if reach and accept state from the state by traveling along the arrows of the DFA if possible। yani aap jo hain wo ye kehte hain ki ye accept ho jayega agar aap kisi final state tak pahunch jate, so then the DFA could generate some string। iska matlab hai ki aap कुछ स्ट्रिंग जनरेट कर सकते हैं। इज एनी फाइनल स्टेट रीचेबल फ्रॉम द इनिशियल स्टेट, अगर आपका इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट पे रीचेबल है तो फिर इसका मतलब है कि आप जो है वो एक्सेप्ट कर लेंगे इसको। तो कहता है रन सिमिलर प्रोग्राम एज कॉन्सेप्ट कनेक्टेड ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ जैसे मेथड से आप उसको कनेक्ट कर लीजिए तो उस वैसे मेथड से आप जो है काम इसका कर सकेंगे। जी सर, समझ आ रहा है? अच्छा, गुड। अच्छा जनाब, तो इस बेसिस पे उसने कहा कि हम कैसे कर सकते हैं। कहता है मार्क द स्टार्ट स्टेट ऑफ ए, जो ए आपके पास इनपुट है DFA जिसमें आपने कहा है उसमें स्टार्ट स्टेट को मार्क कर लीजिए आप। ठीक, स्टार्ट स्टेट को मार्क कर लिए, यानी मिसाल के तौर पे आपने कहा कि मेरे पास यहाँ पे ए बी सही है और सी डी, ये चार स्टेट्स के नाम दिए मैंने। ए इज नॉट अ DFA, ए इज अ स्टेट हेयर। ठीक है, तो ए बी सी डी चार स्टेट हैं, यानी एक स्टेट ये है, दूसरा स्टेट ये है, तीसरा स्टेट ये है, चौथा स्टेट ये है। ठीक, और आप कहते हैं कि ये ए है ये बी है, आपने कहा कि ये इनिशियल स्टेट है ये फाइनल स्टेट है। तो ए ये है, बी ये है, सी ये है, बी सी और डी, इस तरह से कुछ दिया। कहते हैं मार्क द स्टार्ट स्टेट, आपने स्टार्ट स्टेट को मार्क कर दिया, मार्क कर लिया। उसके बाद कहते हैं रिपीट अंटिल नो न्यू स्टेट गेट मार्क, उस वक्त तक करें जब तक के कोई न्यू स्टेट ना बचे मार्क होने के लिए। मार्क एनी स्टेट दैट हैज अ ट्रांजिशन कमिंग इनटू इट, ठीक है, फ्रॉम एनी स्टेट That is already marked। अब क्या बोला उन्होंने कि आप उन स्टेट को मार्क कर लीजिए जो कि बेसिकली कोई ट्रांजिशन रिसीव कर रहे हैं ऐसे स्टेट से जो ऑलरेडी मार्क हो चुके हैं। यानी आपके पास इस वक्त इस सिचुएशन में देखा जाए तो इनिशियल स्टेट से अगर कोई ट्रांजिशन इसको जा रही है, ठीक है, और किसी की भी हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए या बी किसकी है, ट्रांजिशन जा रही है इसके पास, तो फिर ये वाला बी जो है ये मार्क हो जाएगा। ये बी जो है वो क्या हो जाएगा, दोबारा पढ़ देता हूं मैं, ये मार्क एनी स्टेट दैट हैज अ ट्रांजिशन कमिंग इनटू इट, उसके पास कोई ट्रांजिशन आ रही है, फ्रॉम एनी स्टेट दैट इज ऑलरेडी मार्क, जो पहले से मार्क। अगर इससे कोई ट्रांजिशन इसको मिल रही है इसका कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये मार्क नहीं हुआ अभी, लेकिन इससे अगर इसके पास आ रही है तो ये आप इसको मार्क कर देंगे क्योंकि एक ऐसे स्टेट से इसके पास आप पहुंच रहे हैं जो ऑलरेडी मार्क, इसका मतलब कनेक्टिविटी हो गई। उसके बाद ये काम होता रहेगा और उसके बाद नेक्स्ट जाएंगे, हो सकता है कि सी से बी को आप जो है वो कनेक्ट कराएं, तो कहेंगे अंटिल नो न्यू स्टेट गेट मार्क, उस वक्त जब तक कि कोई दूसरा स्टेट जो है वो मार्क होने के लिए ना बचे। तो अब जरूरी नहीं कि मार्क करना लाजमी हो गया, ये बात नहीं कह रहा। मिसाल के तौर पर आपने कहा कि पहले मैंने ए को पिक किया क्योंकि स्टार्ट स्टेट था, फिर मैंने बी को पिक किया, गौर सुनेगा, बी को पिक किया तो बी जो है इस वक्त ए से कनेक्टेड था और ये मार्क था। आप सी को भी पिक कर सकते थे, तो आपने सी को पिक किया, सी ए से कनेक्टेड नहीं है लिहाजा उसको मार्क नहीं करेंगे आप, और डेफिनेटली ए से कनेक्टेड नहीं है। और उसके बाद फिर आप बी को पिक करेंगे तो बी जो है वो ए से कनेक्टेड है तो आपने बी, और उसके बाद आप फिर सी को दोबारा जाहिर आप इस टेस्ट करेंगे सी को दोबारा जो है वो लेके आएंगे, लेकिन सी क्योंकि कनेक्टेड है लेकिन सी टूवर्ड्स बी कनेक्टेड है, बी टूवर्ड्स सी नहीं है, तो सी मार्क नहीं होगा। और इस बेसिस पे अगर इन केस यहाँ पर आपने बी से इस डी को मार्क कर दिया जो कि फाइनल स्टेट है,
तो आप इसको भी मार्क कर देंगे, ठीक है, और मार्क करके फाइनली जब आप मार्क करने के काबिल नहीं बचेंगे तो बाहर निकल जाएंगे लूप से। जब लूप से बाहर निकलेंगे तो कुछ स्टेट्स मार्क होंगे और कुछ स्टेट्स मार्क नहीं होंगे, ठीक है। अब आप देखें क्या कहता है, इफ नो एक्सेप्ट स्टेट इज मार्क, यानी अगर एक्सेप्ट स्टेट यानी जो फाइनल स्टेट है मार्क नहीं हुआ है तो आप अपने ट्यूरिंग मशीन को एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज क्या कर लें, रिजेक्ट। यानी अगर इन केस फाइनल स्टेट मार्क हो गया यानी वो रीचेबल है, फाइनल स्टेट जो है वो रीचेबल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी न किसी तरह किसी न किसी टोकन के लिए फाइनल स्टेट पहुंच जाएंगे, इसका मतलब है लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है, तो फिर वो रिजेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर वो मार्क नहीं हुआ है फाइनल स्टेट तो आप उसको एक्सेप्ट कर लें। तो दिस इज अ वे टू बेसिकली प्रूव आउट द कनेक्टेड ग्राफ, जैसे कनेक्टेड ग्राफ हो गया तो वैसे इसको प्रूव कर लेंगे। तो ये आप सिमुलेट करेंगे, ये जो सारी चार लाइनें लिखी हुई हैं ये सिमुलेट होगा इस ट्यूरिंग मशीन के अंदर, और ट्यूरिंग मशीन के अंदर के बेसिस पे यहाँ पे जो आप इसको DFA देंगे वो ये काम करेगा कि आपके DFA की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे ये वाला एल्गोरिथम रन करेगा। इस एल्गोरिथम के रन होने पे अगर यहाँ पर अगर यहाँ से आप कहते हैं कि नो एक्सेप्ट स्टेट मार्क जो भी ये है उस बेसिस पे नो एक्सेप्ट स्टेट इज मार्क उस बेसिस पे आप इसको एक्सेप्ट करेंगे, और अगर यहाँ पर कोई एक्सेप्ट स्टेट मार्क हो गया है तो उसको फिर आप क्या करेंगे, रिजेक्ट। ये जो सारा काम है ये एक यूजर के लिए ब्लाइंड होगा, ठीक है भाई। तो आपने इसको इम्प्लीमेंट करके जो प्रूफ कर दिया, तो देयर इज अ वे, ये चीज हमें सोचनी है कि भाई किस तरह हम इसको प्रूफ कर सकते हैं, देयर आर सेवरल थिंग्स जो हम यहाँ पे प्रूफ कर सकते हैं किस तरह से। ये तो कुछ थे जो मैंने आपको यहाँ पे प्रूफ करके दिखा दिए, कुछ चीजें यहाँ पे और एग्जिस्ट करती हैं। कहता है कि प्रॉब्लम ऑफ द CFG, अभी तो हमने रेगुलर स्पेशल DFA NFA के हवाले से बात की, अब कहता है कि CFG के हवाले से बात करते हैं। तो गिवन अ CFG विल इट जनरेट गिवन स्ट्रिंग W डिसाइडेबल, गिवन अ CFG इज द लैंग्वेज जनरेट्स एम्प्टी डिसाइडेबल, गिवन टू CFG डू दे एक्सेप्ट द सेम लैंग्वेज नॉन डिसाइडेबल, यानी हम बता ही नहीं सकते कि दोनों सेम लैंग्वेज को एक्सेप्ट करेगा नहीं करेगा, ये बात नॉट डिसाइडेबल। Is a CFG ambiguous? Ambiguous है, ये भी not decidable है. Do two CFG have any string they generate in common? दो CFG common string को generate कर रहा है, ये भी undecided. यानी ये तीन problem recognizable problem है, और ये दो problem, और इस जैसे और भी बहुत सारे problems हैं जो कि decidable problem की category में आते हैं। कुछ ये book से copy है तो आप book में जाके देख लीजिएगा, idea मैंने आपको दे दिया है कि कैसे प्रूफ होते हैं, कुछ मैं आपको CFG के प्रूफ भी करा देता हूँ, बट बुक को यूज करना आपकी जिम्मेदारी है, आप बुक को जरूर पढ़ें ताकि आपको समझ आए कि बाकी बातें किस तरह से ये डिसाइडेबल और नॉट डिसाइडेबल की हो रही है। क्योंकि कुछ चीज़ें CFG की ऐसी हैं जो हमारी प्रीवियस नॉलेज है, अगर वो नॉलेज होगी तो आप समझ सकेंगे, अगर आपको प्रीवियस नॉलेज नहीं है तो समझना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाएगा। तो कहते हैं द लैंग्वेज, ये पहली प्रॉब्लम है कि अ लैंग्वेज ए CFG, अब आप देख रहे हैं सारा थ्योरेटिकल चल रहा है, हम कोई भी चीज़ जो है प्रैक्टिकली नहीं इंप्लीमेंट कर रहे। तो अ CFG इज इक्वल टू G, W, जी इज अ CFG नॉट अ रेगुलर एक्सप्रेशन, जी इज अ CFG, W, जी इज अ CFG दैट जनरेट्स स्ट्रिंग W इज डिसाइडेबल। अब ये एक डिफरेंट प्रॉब्लम है, यानी जिस तरह हमारे लिए इनाम साहब ने भी बताया और आप लोगों ने भी यही सोचा होगा कि रेगुलर एक्सप्रेशन में तो ये प्रॉब्लम थी कि वी आर नॉट एबल टू जनरेट एनी टोकन बाय यूजिंग द रेगुलर एक्सप्रेशन, देयर इज नो वे और नो एल्गोरिथम फॉर जनरेटिंग द स्पेसिफिक टोकन बाय यूजिंग द रेगुलर, देयर इज द ओनली वे टू कंस्ट्रक्ट अ DFA, आपके पास सिर्फ एक ही तरीका कि आप इसका DFA बनाएं। बट इन CFG में आपने देखा लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन राइट मोस्ट डेरिवेशन हमने कई दफा की, तो वी कैन जनरेट आ CFG मिसाल तौर पर वो कहता है कि एस टेंस टू, ऐसे लिख रहा हूँ, एस टेंस टू ए बी एंड बी टेंस टू सपोज करो के AB, ठीक है, एंड बी टेंस टू बी एंड ए टेंस टू ABA एंड ए टेंस टू के, सपोज करो ये है। तो इसका मतलब ये है कि वी के अगर कोई कहता है कि भाई ये टोकन है, बताइए टोकन आपको दे रहे हैं ABBA, क्या ये इस लैंग्वेज इस CFG से जनरेट होगा, आप कहेंगे मैं अभी आपको बता देता हूँ। ये बताने के लिए आपको इसका पार्स
मशीन नहीं बनाने की जरूरत, आप डायरेक्टली इसको डेफ मोस्ट डेरिवेशन कर सकते हैं, इसका एक एल्गोरिथम एग्जिस्ट करता है, इसके बेसिस पर आप बता सकते हैं कि ये इसका पार्ट हो गए हैं, ठीक है। तो वो कहता है कि डिटेल ऑफ द थ्योरम गिवन अ सीएफजी एंड अ स्ट्रिंग वी कैन राइट अ प्रोग्राम दैट विल ऑलवेज हॉल्ट, हम एक ऐसा प्रोग्राम लिख सकते हैं जो हमेशा हॉल्ट हो, यानी हॉल्ट से क्या मतलब, अगर ये टोकन इससे जनरेट हुआ है तो हम बता सकते हैं एक्सेप्ट, और अगर ये टोकन इससे जनरेट नहीं हुआ तब भी हम बता सकते हैं कि ये रिजेक्ट हो जाएगा। That will tell us yes or no whether the grammar generates the string. ये अगर grammar जो है वो string generate कर सकती है। अब इसमें कुछ issues हैं, जब हम करने जाएंगे तो हमें वो issues नज़र आएंगे। अभी तो हम सारी बातें खाली खुली कर रहे हैं, हम कर तो कुछ भी नहीं रहे, ना proof करने जा रहे हैं, लेकिन वो सारी बातें बता दी गई। तो वो proof क्या है, यानी वो issues क्या है, proof नहीं वो issues क्या है, तो यहाँ पर discuss कर रहा है। All grammar are possible. तमाम ग्रामर जो पार्सेबल होते हैं, दिस इज अ इशू, दिस इज अ इशू बेस्ड ऑन कंपाइलर, और ये कंपाइलर बेस्ड प्रॉब्लम है सारा, यानी जो भी आपके पास ग्रामर दी जाती है उसको हम कंपाइलर से सॉल्व करते हैं। ज़ाहिर हमने कंपाइलर नहीं पढ़ा हुआ, जिन्होंने पढ़ा वो शायद याद होगा, सम काइंड ऑफ द ग्रामर, जो ग्रामर होते हैं उनको हम पार्स करते हैं LLK या LRK और इस तरह के डिफरेंट एल्गोरिथम से, जिससे हम ग्रामर को पार्स करते हैं। कैन बी पार्स वेरी एफिशिएंटली ऑर्डर ऑफ एन, हम इस एल्गोरिथम से उसको बासानी पार्स, एल्गोरिथम की अपनी एफिशिएंसी जो इस यूज करता है वो ऑर्डर ऑफ एन है, बट इन जनरल द पार्सर मे टेक ऑर्डर ऑफ एन क्यूब टाइम्स वेयर एन इज द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। लेकिन जब पार्स करने की बारी आती है, जब हम उस टोकन को उससे पार्स कराते हैं, तो वो ऑर्डर ऑफ एन 3 टाइम्स जो है वो लेता है, और n जो है वो इसकी लेंथ के बराबर। अगर स्ट्रिंग की लेंथ 50 है तो आप सोच लें 50^3 कितनी ज़्यादा टाइम इसको कंज्यूम कर। तो ये बहुत मतलब एक सोल्यूशन तो है, हम यहाँ टाइम अगर ना देखें तो ये सोल्यूशन तो है कि भाई आप LL1N या LRK से आप इसको सिमुलेट कर दें। तो आइडिया वन क्या है कि इन्यूमरेट ऑल द लेफ्ट, अब यहाँ पे बता रहे हैं इन्यूमरेट ऑल द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर ईच टेस्ट टू सी। अब हम यहाँ पे वही डेरिवेशन वाले मेथड पे आ गए, तो इन्यूमरेट ऑल द लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन फॉर ईच टेस्ट टू सी इफ इट जनरेट समथिंग। लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन जैसे भी हमने की बताया था आपको कि पहले आप जो है वो मिसाल के तौर पे प्रोडक्शन लें, फिर उसके बाद दूसरा प्रोडक्शन उसके साथ हिट करें, तीसरा प्रोडक्शन करें, इस तरह करते चलें। तो ये काम तो हो सकता है, लेकिन मसला यह है कि वॉट इफ W इज नॉट इन द लैंग्वेज। ये प्रॉब्लम जो पहला हमने बोला है कि लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन हम करें, और सुनेंगे मैं क्या कह रहा हूँ कि वो इशूज हैं, ज़ाहिर है जब आप CFG को इनडेप्थ पढ़ेंगे तो उसमें आपको इशू नज़र आएंगे कि मिसाल के तौर पर जब हम कहते हैं कि S टेंस टू AB, ठीक है AB, और इसके बाद आप कहते हैं कि A जो है फलां के बराबर है और B जो है फलां के बराबर है, फिर A जो है मजीद इसके है B, तो कहता है कि एक टोकन है जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, क्या वो हॉल्ट हो सकेगा या नहीं हो सकेगा, सवाल यहाँ पे ये रुकेगा या नहीं रुकेगा, हॉल्ट से मुराद क्या है कि रिजेक्ट हो जाए या एक्सेप्ट हो जाए। तो एक्सेप्ट तो चलो फिर भी आसान है, लेकिन रिजेक्ट में ये इशू करेगा, क्योंकि आप इस वक्त अनसर्टेन होते हैं कि कितने लेंथ तक इसको ओपन करें, लेंथ को आप फिक्स करना होगा कि अगर आपकी लेंथ जो है वो मिसाल के तौर पर 7 है, तो बाई डिफॉल्ट कोई ऐसा प्रॉब्लम हो, ऐसे मेथड हो जो आपको 7 या कोई ऐसा फार्मूला हो जो इतनी लेंथ तक इसको ओपन करके दे दिया जाए। तो यहाँ पे इसने इसी प्रॉब्लम को कैटर किया जो हमें ज़ाहिर अभी नज़र नहीं आ रहा, हम इस बात को क्योंकि हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा, CFG को पढ़ना पड़ेगा, CFG की जो एफिशिएंसी क्लास है उसको डिस्कस करना पड़ेगा। तो कहता है कि ये इस वक्त एक इशू है कि जो लैंग्वेज का पार्ट नहीं है उसके लिए ये हॉल्ट होगा या नहीं होगा। तो अब वो कहता है अगर हम इस प्रॉब्लम को नहीं इस तरह से सिमुलेट करें तो इसका दूसरा तरीका भी है, वो ये है कि जी एक CFG है, W एक स्ट्रिंग है जो इससे जनरेट हुआ है नहीं बताना है। तो इसके लिए तरीका ये इख्तियार किया जा सकता है कि आप अपने गिवन CFG को चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर लें। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, ये बात शायद मैंने आपको बताई थी, मुझे याद नहीं, लेकिन CFG के बहुत मशहूर फॉर्म है, 3 फॉर्मेट हैं जिसमें हम इसको कर सकते हैं, जिसमें से चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म एक बहुत मशहूर फॉर्मेट कहलाती है। वो ये है कि आप अपने सारे एल्गोरिथम को, सारे
प्रोडक्शन को, यानी जैसे आपने लिखा एस इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, और आपने लिखा उसके बाद ए इज इक्वल टू ए ए ए, फिर आपने लिखा ए टेंस टू बी, फिर आपने लिखा बी टेंस टू बी बी, फिर आपने लिखा बी टेंस टू ए, ये अगर आपने लिखा है तो ये इस वक्त चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्मेट में नहीं है। चॉम्स्की कहता है कि मेरी फॉर्मेट ये है कि U tends to WX, both of them are non-terminal, and W, ठीक है, एक तो ये हो गया, इस तरह लिखा जाए, और V should be in form of single character। ये फॉर्मेट होनी चाहिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर। यानी क्या, आपके पास हर प्रोडक्शन दो नॉन टर्मिनल की फॉर्मेट में लिखे हुए हो और हर नॉन टर्मिनल सिंगल कैरेक्टर में लिखा हो। यानी अगर कोई यू भी लिखा हुआ है ना ए बी, तो बी आई चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्मेट के अंदर नहीं है। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्मेट में अगर आपने लिखना है तो आपके पास यही ऑप्शन। यहाँ पर ये वाली बात तो चॉम्स्की में नजर आ रही है, लेकिन ये चॉम्स्की में नहीं है और ये चॉम्स्की में नहीं है, ये भी चॉम्स्की में नजर आ रहा है, ये भी चॉम्स्की। तो ये चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्मेट में अगर आप कन्वर्ट करना चाहते हैं तो, यानी आप लेके आना चाहते हैं, तो उसकी कुछ फवायद हैं। फवायद क्या होगी बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन इसकी कन्वर्ट करने का अपना एक प्रॉपर मेथड है। जब हम लोग ऑटोमेटा पढ़ते हैं तो ये हमारा मेथड पढ़ाते हैं, इसकी वजह भी बताते हैं। वजह क्या है, वजह ये है कि जब हम इसको सीएनएफ में कन्वर्ट कर देते हैं तो आपके पास किसी भी टोकन को, यानी बात फिक्स हो जाती है कि कोई भी टोकन जो आपको दिया जा रहा है उसके जो डेरिवेशन स्टेप्स हैं वो इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। जैसे अभी थोड़ी देर पहले आपको याद है पॉलीनोमियल में सिंगल वेरिएबल के लिए फिक्स कर दिया गया था, तो आपको तसल्ली थी कि भाई ये सिंगल वेरिएबल अब आप हॉल्टिंग प्रॉब्लम से बियॉन्ड नहीं जा सकते क्योंकि इसी रेंज के अंदर वो एग्जिस्ट करेगा। सिमिलरली व्हेनेवर यू विल कन्वर्ट योर सी एफ जी इंटू सी एन एफ चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, इट मीन्स ये जो डेरिवेशन स्टेप्स हैं you cannot go beyond the such specific derivation steps। yani misal ke taur pe 1 2 3 4 5 6 7 8 bhai pata nahi kitne dur tak jana hai mujhe, yani 3 ke andar ho jayega, 4 mein ho jayega, 5 mein ho jayega, kitni derivation step mein mera token jo hai wo kabhi, to kehta hai ki iske liye cms ek fix jo hai steps aapke paas aa jate hain, uske andar andar aapne isko solve kar dena hai। अगर उसके अंदर अंदर आपको आपका टोकन नहीं मिल रहा है तो रिजेक्ट, और उन स्टेप्स के अंदर अगर आपको मिल गया है तो फिर एक्सेप्ट। तो अब आपके पास ये इशू जो यहाँ पे था वो ख़त्म हो गया कि यहाँ पर क्योंकि सी एफ जी फॉर्मेट थी, सॉरी सी एफ जी फॉर्मेट था, ये वाला था कहाँ गया प्रॉब्लम वन आइडिया वन, यहाँ पर ये सिंपल सी एफ जी में था तो आपको नहीं पता था कि डेरिवेशन कितनी लेंदी जानी चाहिए कि डेरिवेशन में कहीं पे नल वैल्यू भी एसोसिएट हो जाती है। तो आपको नहीं पता कि डेरिवेशन को हम 50 स्टेप तक आगे लेके जाएं, 100 स्टेप तक आगे लेके जाएं, आप कंफ्यूज रहेंगे। अगर टोकन आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है तो हो सकता है कि ये रिकॉग्नाइजेबल में कन्वर्ट हो जाए, हालांकि ये एक डिसाइडेबल प्रॉब्लम है, लेकिन गलत सिलेक्शन की वजह से हम उसको रिकॉग्नाइजेबल ना कह बैठें। तो उस बेसिस में इसने कहा कि पहले आप इसको सी एन एफ में कन्वर्ट करें, सी एन एफ आपको क्या बता देगा कि इसके नंबर ऑफ स्टेप मैक्सिमम कितने होने हैं, तो कहता है मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टेप्स के जो होने हैं वो 2n-1 स्टेप्स, यू कैन नॉट गो बियॉन्ड द 2n-1 स्टेप। तो इसका मतलब है कि आपके पास अगर टोकन की लेंथ 5 है तो आप जो है वो 9 स्टेप में बता सकेंगे कि ये टोकन इसका पार्ट है या नहीं। भाई अगर 9 से बियॉन्ड जा रहे हैं और 9 तक में आप नहीं बता सके तो इसका मतलब है टोकन आपकी लैंग्वेज का पार्ट नहीं है। तो दिस इज अ बेसिकली 2n-1, ये एडवांटेज आप उठाते हैं अपने चॉम्स्की में कन्वर्ट करने का, जो कॉस्ट है वो तो बेयर करते हैं, लेकिन एक दफ़ा चॉम्स्की में कन्वर्ट हो गया तो उसके बाद फिर आप आसानी हर टोकन के लिए एक फिक्स लेंथ जो है वो एज अ फिक्स स्टेप जो है वो आप फिक्स कर लेते हैं। तो कहता है कि इस बेसिस पे यहाँ पे इन्होंने लिखा है जो आइडिया नंबर 2 है, लेट एन बी द लेंथ ऑफ डब्लू, एन जो है वो डब्लू की लेंथ है, लिस्ट ऑल डेरिवेशन ऑफ लेंथ 2n-1। आप हर डेरिवेशन के लिए मैक्सिमम इतनी लेंथ तक उसको डेरिवेट करेंगे। ये समझ में आ रहे होगा डेरिवेशन का वर्ड हम क्योंकि कर चुके हैं, डेरिवेशन तो समझ में आती है। अगर सी एन एफ नहीं भी समझ में आए तो डेरिवेशन तो हमें समझ में आता है कि आप इसको एक्सपेंड करते हैं जैसे हम करते रहे
लेफ्ट मोस्ट डेरिवेशन के अंदर। लेकिन अब आपके पास तसल्ली है कि आपके पास अगर वर्ड की लेंथ एन है तो वी विल नॉट गो बियॉन्ड द टू एन माइनस वन। तो देयर आर ओनली फाइनाइट मेनी, फाइनाइट चेक ईच डेरिवेशन टू सी इफ इट जनरेट्स अ, हर डेरिवेशन के बाद चेक करेंगे डब्ल्यू आ गया, इफ एनी डेरिवेशन जनरेट्स डब्ल्यू, हो सकता है टू एन से पहले ही आ जाए, टू एन माइनस वन से पहले ही आ जाए, तो हर डेरिवेशन के बाद आप चेक करेंगे डब्ल्यू जनरेट हो गया, एक्सेप्ट कर लें, अदरवाइज क्या कर लें, रिजेक्ट कर लें, वी विल नॉट स्टक इन द लूप। इस तरह से आप लूप में स्टक नहीं होंगे, यानी जब आप करते जा रहे हैं, पहला स्टेप आपने डेरिवेशन का किया तो आपको आपका डब्ल्यू नहीं मिला, आपने दूसरा स्टेप किया आपको डब्ल्यू नहीं मिला, आपने तीसरा स्टेप किया आपने डब्ल्यू नहीं मिला, हो सकता है कि डब्ल्यू की लेंथ या कार्डिनलिटी, मिसाल दे रहा हूँ कि फाइव थी, तो आप इस तरह से सिक्स स्टेप करेंगे आपको डब्ल्यू नहीं मिला, सेवन स्टेप करेंगे आपको डब्ल्यू नहीं मिला, एट करेंगे, नाइन करेंगे, डब्ल्यू में नहीं मिला, फिर आपको नाइन स्टेप तक अगर डब्ल्यू नहीं मिला तो आप कहेंगे ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि चॉम्स्की में कन्वर्ट हो चुका है, लिहाजा वी कैन नॉट गो एन माइनस वन, बियॉन्ड एन माइनस वन। तो इसका मतलब है कि नाइन, इस केस में नाइन से ज़्यादा आप ऊपर नहीं जा सकते। तो ये चीज़ें जो मैथमेटिकल हैं, जो इसके साथ एसोसिएटेड हमें सोचनी है, वो हमें पता होनी चाहिए ताकि आप इस चीज़ को समझ सकें कि किस तरह से ये काम कर रहा है। तो ये आपने इस बेसिस पे एक ट्यूरिंग मशीन बनाई, क्या होगा कि आप इस बेसिस पे एक ट्यूरिंग मशीन बनाएंगे, ट्यूरिंग मशीन कैसी होगी, वो आपसे सी एफ जी ले रहा होगा, आपसे थोड़ी कहेंगे सी एन एफ ले, आप सी एफ जी लेंगे और एक टोकन लेंगे। अब आप यहाँ पर करेंगे क्या, यहाँ पर दो काम करेंगे, सबसे पहले इसको सी एन एफ में कन्वर्ट करेंगे, सी एन एफ में कन्वर्ट करने के बाद आप इस जो कन्वर्जन आ जाएगी उसकी सिमुलेशन करेंगे इस डब्ल्यू के साथ, यानी जो डब्ल्यू आपके पास है, और उसके बाद अगर ये बियॉन्ड द टू एन माइनस वन स्टेप होगा तो आप इसको रिजेक्ट कर देंगे, और अगर उसी के रेंज में होगा तो आप उसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, तो ये आपने इनसाइड जो है वो एक हिडन फार्मूला जो है लगा के सॉल्व कर लिया उसको, दिस इज कॉल्ड बेसिकली decidable problem। अच्छा जनाब, यहाँ पे कहता है कि द लैंग्वेज, कितने थ्योरम्स हैं देख लो, पता नहीं, मैंने तो बहुत सारे छोड़ भी दिए बुक से, बुक में बहुत बेशुमार थ्योरम्स दिए हैं, ये आपने सोचना है, मैं थोड़ा सा रेस्ट लूंगा, बहुत देर से बोल रहा हूँ। अच्छा जनाब, कहता ये है कि अ सी एफ जी जी, ये भी एम्प्टीनेस टेस्ट है, एम्प्टीनेस टेस्ट का मतलब है कि आपने प्रूफ करना है कि ये सी एफ जी जो है वो एम्प्टी है, एम्प्टीनेस टेस्ट आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं। कहता है सी एफ जी इज इक्वल टू जी, जी इज अ सी एफ जी एंड एल जी एक लैंग्वेज है जो एम्प्टी है, यानी इसके अंदर कोई कैरेक्टर नहीं, इज डिसाइडेबल, आपने बताना है कि डिसाइडेबल होगा। टू प्रूव सी एफ जी इज डिसाइडेबल, टू प्रूव सम प्रॉब्लम इज डिसाइडेबल, हमें प्रूफ करने का ये प्रॉब्लम जो डिसाइडेबल है, गिवन एन एल्गोरिथम टी एम वेरीफाइड एल्गोरिथम इज करेक्ट ऑलवेज हॉल्ट। प्रोजेक्ट मैंने अपलोड कर दिए हैं, मैं समझा भी दूंगा, मैंने आज ही अपलोड कर दिया उसकी सारी डिटेल्स, हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद इंशाल्लाह। अच्छा जनाब, तो गिव एन एल्गोरिथम टी एम वेरीफाई द एल्गोरिथम इज करेक्ट ऑलवेज हॉल्ट, गिव द राइट आंसर। अब आप ये बात समझ गए हैं कि आपने एक ऐसी सी एफ जी बनानी है, एक ऐसी लैंग्वेज के लिए सी एफ जी बनानी है कि जो लैंग्वेज एम्प्टी है, यानी आप जो लिख सकें। सिर्फ पाँच मिनट का ब्रेक लूंगा, फिर मैं दोबारा शुरू करूंगा फाइनल ब्रेक से पहले। एल जी का जो सेट ऑफ स्ट्रिंग है वो एम्प्टी है, यानी जो सी एफ जी है उसकी जो लैंग्वेज है उसका सेट ऑफ स्ट्रिंग एम्प्टी है। इसका मतलब ये हुआ कि ट्यूरिंग मशीन जब इनपुट लेगा सी एफ जी, तो उस वक्त तक तो आपको मालूम नहीं होगा कि ये सी एफ जी एक एम्प्टी लैंग्वेज का है या नॉन एम्प्टी लैंग्वेज का है। आप ले लेंगे, उसके बाद एक वर्ड भी लेंगे, वर्ड लेंगे नहीं लेंगे, कोई वर्ड इनपुट नहीं ले रहे क्योंकि सिर्फ सी एफ जी इनपुट ले रहे हैं, और उसके बाद आपने डिसाइड करना है कि ये एक्सेप्ट है या रिजेक्ट है। एक्सेप्ट रिजेक्ट किस बेसिस पे होगा कि अगर ये लैंग्वेज एम्प्टी है तो एक्सेप्ट, और अगर ये लैंग्वेज एम्प्टी नहीं है तो रिजेक्ट, ये काम आपने करना है। तो अब आप इसको एक मिनट, पाँच मिनट के लिए सोचें, 1:10 हो रहा है, हम 1:15 पर दोबारा मैं आपके पास आता हूँ, और आपको फिर आपसे सोच लीजिए कैसे होगा, और अगर आपने भी पानी छानी पीना तो पी लीजिए, फिर उसके बाद दोबारा से इसको रिज्यूम कर दें। 1:25 पर फाइनली हम नमाज का ब्रेक ले लेंगे।
जी सर, ठीक है, आधा बात तो हम कंटिन्यू करते हैं कि एम्प्टीनेस टेस्ट करना है कि हमारी लैंग्वेज जो कि नॉन रेगुलर सीएफजी बेस्ड है ये इस वक्त एम्प्टी है। देखिए सीएफजी में एक वर्ड यूज होता है रीचेबल और एक वर्ड यूज होता है ड्राइवेबल। रीचेबल एंड ड्राइवेबल में हमें कुछ इस तरह से होता है, मिसाल के तौर पे चलिए अभी दोनों तो याद नहीं है लेकिन रीचेबल में बता देता हूँ, एस टेंस टू ए बी, मिसाल के तौर पे ए बी और सी, ठीक है, इस तरह लिखने के बजाय इस पे लिख लेता कि एस टेंस टू जो कि आपका मेन टोकन है वो है ए बी सी, ठीक। फिर आपने कहा कि ए जो है वो है लेट सपोज स्मॉल ए और ए, फिर ए जो है वो सपोज करो है बी स्मॉल बी, बी जो है वो सपोज करो आपके पास है जैसे कि हमने अभी लिखा तो ये आपके पास आ गया बी ए बी बी सॉरी, और बी जो है वो आपके पास एक और प्रोडक्शन आ गई सपोज करो स्मॉल ए, एंड सी जो है वो आपके पास है ए सी, ठीक है, ये आपके पास प्रोडक्शन है। अब आप कोई टोकन जनरेट करना चाहते हैं इसके बेसिस पे, इफ यू वांट्स टू कंस्ट्रक्ट अ टोकन बाय मीन ऑफ दिस वन, सो दिस लैंग्वेज इज बेसिकली इज अ ह्यूज प्रोडक्शन, हैज अ ह्यूज प्रोडक्शन, रिच प्रोडक्शन जो है, एक में होल्ड कीजिएगा। अच्छा जनाब, तो ये जो हमने लिखा है आपको याद होगा कि हमने ये, हालांकि इसमें काफ़ी प्रोडक्शंस हैं लेकिन इसमें जो पावरफुल है वो एस इसलिए है कि जो टोकन जनरेट होगा वो एस से होगा, यानी टोकन जो है वो सिर्फ एस से ही जनरेट हो सकता है। अब एस जो है जितनी भी प्रोडक्शन है वो एस डिपेंड करता है ए बी और सी के ऊपर, तो ये ए बी सी रीचेबल होने चाहिए, यानी तीनों की रिजल्ट्स जो हैं वो टर्मिनल तक जाने चाहिए। तो आप देखें ए जो है, ए अगर अपने आप को मल्टीपल टाइम यहाँ रिपीट भी करता रहे, ए कैपिटल ए ए कैपिटल ए ए कैपिटल ए, क्योंकि ए की वैल्यू यहाँ से रिपीट, ये आपको कभी कुछ इस तरह नज़र आ सकता है कि एक ए ए हो गया, फिर आपने मज़ीद उसको एक्सपेंड किया तो हो सकता है कि दो ए ए आ जाए, और इस तरह से ये एक्सपेंडेबल फॉर्मेट में रहेगा। लेकिन इसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि फाइनली जब इसको टर्मिनेट करना चाहे तो आप इस बी से कर सकते हैं, तो ये जितनी भी ए करें लेकिन एंड में एक बी लगा के आप इसको टोटल टर्मिनल बना सकते हैं। सिमिलरली यही हाल बी का भी है, लेकिन सी के पास ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप इसको रीचेबल करें, तो यानी रीचेबल का मतलब है कि आप इसको फाइनल टर्मिनल बना सकें। जब सी फाइनल टर्मिनल की तरफ नहीं जा सकता, अगर गो के ए फाइनल टर्मिनल की तरफ मूव ऑन हो चुका है, बी भी फाइनल टर्मिनल की तरफ मूव ऑन हो चुका है लेकिन सी नहीं हो सकता, तो लिहाजा कोई टोकेन इसमें जनरेट नहीं हो सकता। ये एक सी एफ जी है लेकिन इस सी एफ जी से आप किसी किस्म का कोई टोकन जनरेट नहीं कर सकते, लिहाजा ये एक एम्प्टी सी एफ जी है, ये इस बात की इंडिकेशन। इसको करने के लिए, इस बात को प्रूफ करने के लिए हमें वही सारे प्रोसीजर लगाने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि भाई हम कैसे प्रूफ, हालांकि हमें सी एफ जी दी जा रही है तो हमें टेस्ट करना होगा। टेस्ट करने के स्टेप्स क्या हैं? सबसे पहले टेस्ट करने का स्टेप ये होता है कि क्योंकि एस को हमें जो है वो रीचेबल बनाना है टर्मिनल की तरफ, तो सबसे पहले आप देखते हैं कि ये किन पे कंजिस्ट करता है, ए बी सी पे करता है। तो सबसे पहले आप ए को पकड़ते हैं और देखते हैं कि ये अगर ए ही रीचेबल नहीं है तो आप कह देंगे कि ये नहीं, तो इस तरह से चेक किया जाता है। रीचेबल का मतलब है कि ये टर्मिनल की तरफ हो रहा। अब मुझे याद नहीं है कि इसको रीचेबल कहते हैं या ड्राइवेबल कहते हैं, दो वर्ड है, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। तो ये बेसिकली ए को टर्मिनल की तरफ रीच करना चाहिए, बी को भी करना चाहिए और सी को भी करना, तो एस एक टोकन जनरेट कर सकेगा। अब इस बात को फॉर्मल अंदाज में लिख लीजिए, तो कहता है देखिए उसने समझाया है पहले कि कंसीडर द ग्रामर ए बी सी डी। अब आपको ए भी रीचेबल चाहिए, बी भी चाहिए, सी भी चाहिए, डी भी चाहिए, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो कोई फर्क नहीं पड़ता। कहता क्या है कि देखें, सबसे पहले आपने देखा ए, तो ए टर्मिनल पे बिलोंग करता है, ए टर्मिनल पे बिलोंग करता है, तो ए ने टर्मिनल पे बिलोंग करता है तो ए रीचेबल हो गया। फिर बी पे आए
बी इस वक्त रीचेबल नहीं है, तीनों तीनों प्रोडक्शन में बी रीचेबल नहीं है। अब देख लीजिए, ना तो सी ए से रीचेबल है, ना ए बी से रीचेबल है, ना बी 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 डब्ल्यू से रीचेबल। आपने उसको छोड़ दिया, फिर आप सी के पास गए, सी के पास गए तो सी यहाँ पर तो रीचेबल नहीं है क्योंकि ये बी है, लेकिन ये वाला डायरेक्टली टर्मिनल के साथ हिट कर रहा है इसलिए रीचेबल है। तो ये आपने कहा कि, मैं अगर गलत बोलूँ तो आप चेक कर लीजिएगा, मुझे याद नहीं कि ये ड्राइवेबल वर्ड यूज होता है या रीचेबल वर्ड यूज होता है। तो खैर ये डब्ल्यू डब्ल्यू से जो है वो हिट कर गया, तो ये भी डायरेक्टली हिट हो गया। इसका मतलब ए भी हिट हो गया और सी भी, दोबारा बी पे आए। अब आप बी को देख रहे हैं, वो लिखा हुआ सी ए, सी ए का मतलब ये है कि सी रीचेबल है, ए रीचेबल है, तो इसका मतलब है बी भी इनडायरेक्टली क्या हो गया, रीचेबल हो गया। तो ए बी सी तो रीचेबल हो गया, लेकिन जब डी पे आएंगे तो ये डबल डी है, ये बी डी है और ये डी सी, इन्हें तीनों में डी खुद यूज हो रहा है तो ये कैसे एंड होगा, तो ये डी एंड नहीं हो सकता। तो लिहाजा ये वाला जो प्रोग्राम है, यानी ये जो पहला प्रोडक्शन एस का है, ये किसी किस्म का टोकन जनरेट नहीं कर सकता। तो ये एक प्रोसीजर है जो हमें अडॉप्ट करना है। अडॉप्ट करने के लिए हम वही मार्किंग स्कीम यूज करेंगे कि भाई आप इस तरह से मार्क करें कि ए बी सी डी, तो जो अंडरलाइन लगा हुआ है, इस मार्किंग स्कीम के बेसिस पे हम अपने सवाल का जवाब दे सकेंगे। ठीक है, कहते हैं इनिशियली मार्क ए बिकॉज इट प्रोड्यूसिंग एक्स वाई जी टर्मिनल्स। आपने सबसे पहले ए को मार्क कर लिया, क्योंकि सबसे पहले उनको मार्क किया जाता है जो टर्मिनल जनरेट कर रहा हो, तो ए टर्मिनल जनरेट कर रहा है और सी टर्मिनल जनरेट कर रहा है, तो लिहाजा ये दोनों सबसे पहले मार्क हो जाएंगे। जो कम्प्लीटली टर्मिनल जनरेट कर रहा हो कम्प्लीटली, उसको मार्क कर दिया जाता है। तो सबसे पहले ये और ये आप मार्क कर लेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले आप कहेंगे इनिशियली मार्क ए बिकॉज इट प्रोड्यूसिंग एक्स वाई जी टर्मिनल, मार्क सी एज इट प्रोड्यूसिंग द टर्मिनल दिस। ठीक है, उसके बाद मार्क बी, बी को क्यों मार्क करेंगे, बिकॉज इनडायरेक्टली इट प्रोड्यूसिंग द टर्मिनल बी सी ए, सी ए से इनडायरेक्टली टर्मिनल पे जा रहा है। डी कैन नॉट अप्रोच टू टर्मिनल सो इट कैन नॉट बी मार्क, ये तो क्योंकि टर्मिनल पे अप्रोच नहीं कर रहे मार्क नहीं होता। तो एस कैन नॉट बी मार्क ड्यू टू डी, एस जो है वो मार्क, यानी आपको सबको मार्क, एस मार्क होना चाहिए था लेकिन एस मार्क नहीं हो सकता क्योंकि ये टर्मिनल की तरह अप्रोच नहीं कर रहा, इन तीन की वजह से टर्मिनल बन रहा है लेकिन डी की वजह से टर्मिनल नहीं बन रहा। तो एस अगर मार्क नहीं हो रहा तो इसका मतलब ये एम्प्टी है। तो कहता है कि एस कैन नॉट बी मार्क ड्यू टू डी, डी की वजह से नहीं मार्क हो रहा, इट कैन नॉट प्रोड्यूस एनी टोकन एक्सेप्टेड, दिस इज अ बेसिकली ओवरऑल। अभी दो स्लाइड्स बाकी हैं इसकी, हम यहाँ पे उसको ब्रेक ले लेते हैं ताकि नमाज पढ़ के आ जाए। और ये तो आइडिया मैंने आपको दे दिया कि किस तरह आपने सोचना है। ठीक है, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए यहाँ तक, वरना हम ब्रेक लेते हैं और 12:55 पे दोबारा ज्वाइन करते हैं। प्रोजेक्ट भी हम उसी वक्त डिस्कस कर लेंगे इंशाल्लाह, 1:55 पे दोबारा ज्वाइन करें। एनी क्वेश्चन सर? टॉपिक से हटके एक सवाल था, रिक्वेस्ट थी एक्चुअली। हां बोले सर, वो मैंने आपको व्हाट्सएप पे मेंशन किया था असाइनमेंट वन का एक सवाल जो मिसअंडरस्टूड, मे बी शायद मैंने और अदनान ने किया उसके सेंटेंस की मदद वजह से, कि जो है वो लैंग्वेज के कॉम्प्लीमेंट को बताना था, ना कि उस लैंग्वेज को जो वहाँ लिखी हुई थी। तो सर बेनिफिट ऑफ डाउट ही देते हम दोनों को। आप लोगों ने क्या किया था, वो लैंग्वेज बना दी थी? नहीं सर, हमने लैंग्वेज का जो लैंग्वेज लिखी थी ना, सेंटेंस ये था कि ये जो बताया गया है ये एक लैंग्वेज का कॉम्प्लीमेंट है, वो लैंग्वेज बताओ। तो हमने जो बताई हुई लैंग्वेज थी उसका कॉम्प्लीमेंट लिया और उसकी ऑटोमेटा बनाई। चलो मैं देखता हूँ, मैंने देखा नहीं। जी सर, सर यानी कि हमने सिंपलर लैंग्वेज का बना दिया था और कॉम्प्लीमेंट का दिया हुआ था और लिखा हुआ था कि ये जो लैंग्वेज दी हुई है ये सिंपल लैंग्वेज की कॉम्प्लीमेंट है। आप कॉम्प्लीमेंट का भेज देना, सिंपलर लैंग्वेज का। जी सर, आप कॉम्प्लीमेंट का बना के भेज देना मुझे, व्हाट्सएप पे भेज दें पर्सनली। जी सर, मैं बिल्कुल पर्सनल पे भेज देता हूं, वो जो है ना आप देखेंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट के लिहाज से बिल्कुल ठीक बनी है ऑटोमेटा हमारी। सही है, तो अब आप कॉम्प्लीमेंट के लिए भेज दें। ठीक है, जी सर मैं आपको भेजता हूं। ठीक है, चलो ठीक है, फिर ब्रेक के बाद ज्वाइन करते हैं इंशाल्लाह।